नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष परियार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुभाष साइंस गाइड में, जहां पर आपको मिलते हैं साइंस से रिलेटेड वीडियो। वीडियोस में आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। कक्षा 8 के इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सीधी शुरुआत करते हैं पहली यूनिट से। वैसे तो ब्लूप्रिंट बताना चाहिए, लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से बताऊं तो सीधे इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से बनते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने लायक होते हैं। पहला प्रश्न है, पहली यूनिट का पहला प्रश्न, फसलें कितने प्रकार की होती हैं तथा इनके नाम बताइए तथा उदाहरण भी दीजिए। फसलों के प्रकार लिखने हैं इसके अंदर। फसलें तीन प्रकार की होती थी, रबी, खरीफ तथा जायद। इन तीनों के नामों को लिख के तीनों के उदाहरण लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, खाद और उर्वरक में दो अंतर बताइए। खाद और उर्वरक में दो अंतर बताने थे। दो अंतर कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बताना है। इनमें कोई भी दो अंतर बता दो तो वो बढ़िया बात है। और पहले यूनिट का तीसरा प्रश्न यही है, सिंचाई के आधुनिक और परंपरागत, सिंचाई की आधुनिक तथा परंपरागत विधियों के दो दो उदाहरण दीजिए। आधुनिक विधि कौन सी थी तथा परंपरागत विधियां कौन सी थी, या इनमें दूसरा प्रश्न लें तो आधुनिक संसाधन तथा दूसरा होता है परंपरागत संसाधन। संसाधन दो प्रकार के थे, उसी से प्रश्न उठा है, प्रश्न निकाला गया है यहाँ पे। पहली यूनिट से दो दो नंबर के दो ही प्रश्न पूछने थे, जो सातवां और आठवां प्रश्न के रूप में लगातार आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, दूसरी यूनिट में धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म, इसके अंदर धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। भौतिक गुणधर्म वे होते हैं जो बाहर से किस प्रकार से नज़र आते हैं, जैसे रंग, कठोरता, भंगुरता, आघात वर्धनीय, तन्यता, इन सभी के बारे में इसमें बताना था। ठीक है, भौतिक गुणधर्म में रंग होता है, चमक होता है, क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, ये हो गए भौतिक गुणधर्मों में अंतर। दूसरा प्रश्न, जो कि बोर्ड का फेवरेट प्रश्न होता है तथा इसके अंदर यही पूछा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन के तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। ये प्रश्न बोर्ड का फेवरेट प्रश्न होता है, जिसके अंदर हमें बताना होता है कि सोडियम धातु एक क्रियाशील धातु है जो वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है, जो वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए इसको वायु के संपर्क से बचाने के लिए इसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। यहीं से एक छोटा सा प्रश्न अलग और रखा जाता है और कभी कभी वो पूछ भी लेता है, जैसा कि मैंने इसमें लिखवाया गया है फॉस्फोरस। जैसे इसने जिस प्रकार सोडियम धातु है इसको केरोसिन में रखा जाता है, उसी प्रकार फॉस्फोरस को भी पानी में रखा जाता है। इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, वैसे अभी तक इसने बोर्ड में पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ ले तो फॉस्फोरस को पानी के अंदर क्यों रखा जाता है। तो इसका एकमात्र कारण यही है कि फॉस्फोरस भी ज्वलनशील धातु है जो कि वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको संपर्क को तोड़ने के लिए इसको पानी के अंदर रखा जाता है। और तीसरा प्रश्न उठता है, धातु तथा अधातु के चार उपयोग लिखो। धातु तथा अधातु के चार उपयोग बताने हैं, धातुएं कहाँ पर काम आती हैं तथा अधातुएं कहाँ पर काम आती हैं। और चौथा प्रश्न दूसरे यूनिट से यही आता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं उदाहरण लिखो। मिश्र धातु की परिभाषा दो, आप उत्कृष्ट धातु की परिभाषा भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, ये हमारे केवल दो यूनिटों से प्रश्न हुए। अब बात कर लेते हैं तीसरी यूनिट के। तीसरी यूनिट में जो कि बहुलक से संबंधित है, तीसरी यूनिट में बहुलक किसे कहते हैं तथा विस्कोस क्या है, ये पहला प्रश्न है। बहुलक किसे कहते हैं तथा विस्कोस क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। बहुलक छोटी से छोटी इकाइयाँ, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई का निर्माण कर देती है, जिसे हम बहुलक कहते हैं, ये सभी जानते हैं। तथा विस्कोस क्या है, विस्कोस सल्फर तथा कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन को मिलाकर गाढ़ा पदार्थ बनाया जाता है, जिसे हम विस्कोस कहते हैं। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न, संश्लेषित रेशों के नाम बताइए। संश्लेषित रेशे हैं क्या, किसे कहते हैं संश्लेषित रेशे तथा इनकी चार विशेषताएं बतानी है। संश्लेषित रेशों की विशेषताएं नॉर्मल रूप से बतानी है।
तीसरा प्रश्न है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक के प्रकार बताने हैं तथा इनके प्रकारों का जो नाम है उसको समझाना। प्लास्टिक वैसे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तथा थर्मो प्लास्टिक, दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, तो सभी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की। तीसरी यूनिट में चौथा प्रश्न आता है टेफ्लोन क्या है? वैसे तीसरी यूनिट के अंदर टेफ्लोन केवल नाम दे रखा है, टेफ्लोन इसके बारे में बताया गया है। हल्की सी बात बताइए कि जो नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ होती हैं जिनके अंदर तेल के धब्बे, गर्म करने पर तेल के धब्बे नहीं लगते हैं, उन्हीं को नॉन टेफ्लोन, उन्हीं के अंदर टेफ्लोन का इस्तेमाल होता है, यही होता है टेफ्लोन, ठीक है। और कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? एक छोटा सा नाम दे दिया भाई, दे दिया इसने कि कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं। कृत्रिम रेशम ऐसा नाम तो अजीब है, कृत्रिम रेशम ऐसा रेशम जो इंसानों ने बनाया हो, और इंसान ऐसा कोई रेशम बना ही नहीं सकते, जबकि उपलब्धि दी गई है इसको, केवल उपाधि दी गई है कृत्रिम रेशम की, जिसे शायद टेरिकोट ही कहते हैं। और पांचवा, प्लास्टिक के चार उपयोग बताने हैं और ये बताना है कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, फिर भी इसको लोग काम में ले रहे हैं, किस प्रकार से इसका उपयोग कम करना चाहिए, इसके बारे में हमें बताना है। और एक प्रश्न बहुत बार डेस्कवर्कों के अंदर ये बताया गया कि मनपसंद किसी वस्तु का, जैसे मान लो किसी का दे दिया गया कि आपको उसका, आपको कोई प्लास्टिक की बोतल दे दी जिससे कोई सजावटी सामान बनाना है, ये प्रश्न एडिशनल रूप में दिया गया है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी उसकी मनमर्जी, जब भी मर्जियाँ चलती हो तो दे देता है इस प्रकार के प्रश्नों को, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर किसी का भी दे दे तो उसका चित्र बना के उसके ऊपर फूल पत्तियाँ बना देना चाहिए और वो मनपसंद होगी सजावटी सामान। अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 4 की, रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रियाएँ के किसे कहते हैं? उसके गुणधर्म लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पूछ ली और इसके गुणधर्म, वैसे तो इसके चार ही गुणधर्म बताए गए हैं, उन चारों गुणधर्मों के बारे में हमें लिखना होता है, ठीक है। वैसे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये जो चार यूनिट हैं इनके अंदर से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके अंदर अपसदभ भी होगा, लघुतरात्मक भी होगा और एक निबंधात्मक भी होगा, ठीक है। तो निबंधात्मक कहाँ से भी पूछ सकता है, इसकी कोई फिक्स नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म हो गए। दूसरा है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके उदाहरण दीजिए। संयोजन, वैसे तो इसका संयोजन है, वियोजन है और रेडॉक्स है, इन तीन प्रकार के प्रश्नों को वो फेवरेट समझता है बोर्ड, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग घूम जाए तो उदासीनीकरण भी पूछ लेता है, ठीक है। तो वैसे ज़्यादातर याद हमें इसी को ही करना है, संयोजन अभिक्रिया को। और तीसरा नंबर प्रश्न है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे पर एक परत जम जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये कारण से संबंधित प्रश्न है कि आप लोगों ने कितनी समझी इस चीज़ को, उसके अंदर दिया गया है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दी जाती है तो जो लोहा जो होता है वो एक ताकतवर होता है और ताकतवर अणु है, और जो कॉपर जो है वो कमज़ोर अणु है, ताकतवर अणु कमज़ोर अणु को विस्थापित कर देता है, इसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसके जो लोहे की कील पर जो जमा होती हैं वो विस्थापन अभिक्रिया के कारण कॉपर ही जमा होता है तथा अंदर विलयन जो होता है वो फेर सल्फेट का बन जाता है। और चौथी यूनिट के अंदर चौथा प्रश्न आता है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझिए। वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाएँ परिभाषा देनी है और ये रासायनिक अभिक्रियाएँ 6 प्रकार की ही होती हैं जिनके बारे में हमें लिखना होता है। ये तो मैंने एक ऐसे निबंधात्मक बड़ा बना के दे दिया, वो इसलिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित टॉपिक तो पूछेगा, ये तो मान के चलना है। और जो पाँचों प्रश्न दिया है इस यूनिट के अंदर, और वो पाँचों प्रश्न नया एडिशनल टॉपिक है जो नया ऐड कर रखा है, ज्वाला की संरचना समझाइए। ज्वाला है क्या, कैसी होती हैं और कहाँ पर अधिकतम जलती हैं, कहाँ पर मध्यम दर्जे की जलती हैं, उसके बारे में बताना है। तो वो था ज्वाला के बारे में, ठीक है। ये हो गए हमारे 4 यूनिट, और अब 5 यूनिट की बात कर लेते हैं। वैसे 5 यूनिट से भी पूछा जाना है, छोटे छोटे सवाल हैं इसके अंदर, कोई बड़ी टेढ़ी बड़ी बात है नहीं। इसके अंदर पूछ लिया जैव विविधता किसे कहते हैं या IUCN का पूरा नाम बताइए। पहला जो प्रश्न है, जैव विविधता किसे कहते हैं तथा IUCN का पूरा नाम बताना है। और IUCN का वैसे पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ है,
ये तो IUCN का पूरा नाम हो गया। और इसकी श्रेणियाँ बतानी हैं, इसकी मुख्य रूप से चार प्रकार की ही श्रेणियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो सभी जानते हो, तो इसके क्या क्या उदाहरण हैं वो उदाहरण देने हैं। और कभी कभी क्या है, जैसे पिछली बार उसने पूछ लिया चारों श्रेणियों में से उदाहरण दे दिए उसने, और उदाहरण दे के हम लोगों से पूछ ले भाई इसका जवाब बताओ, इनको सबको अलग अलग करो श्रेणियों के हिसाब से छांटो, और जब हम लोगों को उदाहरण ही नहीं पता तो श्रेणियों में किस प्रकार से छांटेंगे, किस प्रकार से बांटेंगे, तो कभी टेढ़ा प्रश्न भी पूछ लेता है। और वैसे भी इस बार पेपर डाइट बना रही है, राजस्थान बोर्ड नहीं। दूसरा प्रश्न है वनोन्मूलन के चार दुष्प्रभाव लिखिए, और ये बोर्ड का तो वैसे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। वनोन्मूलन के चार दुष्प्रभाव लिखिए, पांच दुष्परिणाम लिखिए, या इनके तीन कारण बताइए, चार कारण बताइए, ये प्रश्न अनेकों बार पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लेना। और तीसरा प्रश्न, राजस्थान में प्रवासी पक्षियों के स्थान बताते हुए लाल आंकड़े पुस्तक तथा जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में बताइए। राजस्थान में प्रवासी स्थल पाँच छः दे रखे हैं और उन्हीं में से उन्हीं का नाम लिखने हैं। और लाल आंकड़े पुस्तक मतलब रेड डाटा बुक, ये क्या है, इसके अंदर कहाँ किस प्रकार के आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है, और जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, मानव की स्वार्थपूर्ण गतिविधियों के कारण जो जैव विविधता नष्ट हो रही है, जैव विविधता खत्म हो रही है, उसी उन्हीं बिंदुओं को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। और पूरे विश्व भर के अंदर 34 मतलब 34 स्थानों को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में बांटा गया है, जिनमें से दो भारत के अंदर हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इनमें पांच यूनिट में केवल तीन ही प्रश्न हैं। और अब बात कर लेते हैं छठवीं नंबर यूनिट की। छठवीं नंबर यूनिट क्या बोलती है, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, विधियों का वर्णन करो। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है, और इनके जो तीन विधियां हैं बीजाणु निर्माण, मुकुलन और विखंडन, इन तीनों विधियों का चित्र सहित वर्णन करना है। वैसे और वैसे वर्णन करके करना क्या है, केवल कुछ ही तो लाइनें लिखनी है इसके अंदर, और कुछ लाइनें लिखोगे तो बात अपना आप ही बन जाएगी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर बात कर लेते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण दीजिए। लिंग के आधार पर, और भाई साहब लिंग के आधार पर पूछा है तो लिंग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। सीधी बात, दोनों की परिभाषा लिखनी है और इनके उदाहरण देख के पक्का जाना है, वो इसलिए क्योंकि उदाहरण से सीधा पूछ ले कि निम्न में से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, या निम्न में से द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए, या निम्न में मिलान का दे दे, इसमें क्या है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है परागकण और परागण में फर्क है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ केवल यही पूछता है परागण किसे कहते हैं, और परागण के प्रकारों को समझाइए, या परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार सब प्रश्न तीसरा इसने छठवीं नंबर यूनिट से दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, परागण दो प्रकार का होता है, परपरागण तथा स्वपरागण। ठीक है, और चौथा नंबर इसमें प्रश्न, क्योंकि छठवां नंबर यूनिट है तो बड़ा प्रश्न बनेगा, तो निषेचन की प्रक्रिया पूछ ली, ये लो भाई कि निषेचन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए, और पादपों में निषेचन की प्रक्रिया पूछ रहा है तो सॉलिड सी बात है, दिखती सी बात है कि वो अच्छा वाला प्रश्न ही मांग रहा है। फिर आगे बात करते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न में, अनिषेक जनन किसे कहते हैं तथा फलों को कितने भागों में बांटा गया है। अनिषेक जनन क्या है भाई, और इसमें फलों को कितने भागों में बांट दिया। अनिषेक जनन जिसमें बिना निषेचन के फलों का निर्माण हो जाता है उसे अनिषेक जनन बोला जाता है। ये तो साफ और दिखती बात है, इसको छोड़ो, टेंशन फ्री हो जाओ। और फिर बात करते हैं भाई मेंडल के विभिन्न लक्षणों की सूची सहित लिखिए, को उसने मेंडल ने जो सात लक्षण लिए थे, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, और आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं, और मेंडल को क्यों कहते हैं, इसके कौन कौन से जो सात लक्षण लेती है विप्रियाशी लक्षण, उनके बारे में बताना है, तथा जो मेंडल के जो नियम हैं, मेंडल के तीन नियम थे, इन सभी को इस यूनिट के अंदर कवर कर लिया गया है। ठीक है, अभी के लिए केवल छः ही प्रश्न, वो इसलिए क्योंकि अभी वीडियो हो रहा है लंबा। ठीक है, अगर कैसा लगा वीडियो एंड में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी के प्रश्नों के लिए आगे वीडियो और बनाएंगे।